क्या यही है आपके पति? हरियाणा के फरीदाबाद शहर का सदर थाना, जहां इस महिला को एक लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया गया था कि कहीं यह लाश उसके पति की तो नहीं। ये महिला मधु थी। आखिर मधु के पति के साथ ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस को लग रहा था उसकी हत्या हो गई है? और अगर ये लाश मधु के पति की नहीं थी तो फिर मधु का पति कहां था? मधु की जो आंखें आज आंसुओं से भरी हैं, 4 दिनों पहले तक उनमें खुशियां ही खुशियां थी। Hey, रिंको, कैसा है? अच्छा हूँ, अभी फाइनल स्टेज पे पहुंचा हूँ। वेरी गुड। माँ कहाँ है? किचन में। आप मेरे लिए वीडियो गेम्स लाए ना? एक नहीं, ढेर सारे, ये देख। थैंक यू पापा। बस ये फरमाइशें करता रहे और आप पूरी करते रहिए। पूरी अलमारी इसके वीडियो गेम से भरी हुई है और आप है कि रोज नए ले आते हैं। मधु, एक अलमारी क्या है? मेरे पास चले तो पूरा कमरा इसका वीडियो गेम से भर दो। आज बड़े खुश नजर आ रहे, कोई लॉटरी लगी है क्या? बस यही समझ लो, आज उस भाटिया की शक्ल ना देखने लायक थी। आखिर उस भाटिया के बच्चे को पीछे छोड़कर मुझे प्रमोशन मिल ही गया। ये बात आप 25वीं बार बता रहे हैं। बस अपने प्रमोशन की पड़ी है। कब से कह रही हूँ कश्मीर घुमाने ले चलो, लेकिन आप ना, आपसे अच्छे तो वो शर्मा जी बिना प्रमोशन भी पिछली छुट्टियों में अपनी फैमिली को नेपाल घुमाने लेके गए थे। अबे इतने अच्छे खाने का मजा मत किरकिरे करो, खीर की कमी है। अब और भी काम है मेरे पास खीर बनाने के अलावा। अब तू खेलना बंद कर, चुपचाप खाना नहीं खा सकता? मधु, मैं जरा वॉक करके आता हूँ। साफ साफ क्यों नहीं कहते पान खाने जा रहे हैं? पापा, मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। अबे इतनी चॉकलेट खाएगा तो तेरे दांत खराब हो जाएंगे। पान खाने से दांत खराब नहीं होते क्या? पूरा अपनी माँ पे गया है। मेरी किस्मत में तो झाड़ू करता और बर्तन ही लिखे। कहने को इंजीनियर की बीवी हूँ लेकिन अब क्या है? हाँ मधु, देखो मेरी अलमारी में एक ब्रीफकेस रखा है, उसमें कुछ काम के पेपर रखे हैं, उन्हें निकाल के प्लीज बाहर रख दो। अब इतनी रात को क्या काम करेंगे आप? तुम निकाल के तो रख दो, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ओके बाबा। अरे ये तो श्रीनगर का हॉलिडे पैकेज है। तो मिस्टर आनंद, आप सरप्राइज देना भी सीख गए। 7 सालों में तो आज तक नहीं दिया, अब किसने सिखाया? अरे उनके फोन को क्या हो गया? कोई बात नहीं, आने के बाद ही पूछ लूंगी। जब तक मैं भी खीर बना देती हूँ, मुझे भी सरप्राइज देना आता है। इतनी देर क्यों लगा दी? कभी इतना लेट नहीं होते, फोन भी नहीं लग रहा है। मधु जानती थी कि वॉक के बहाने आनंद पान खाने जाता था और हर रोज 10-15 मिनट में घर वापस लौट आता था। फिर आज क्या बात हुई कि 3 घंटे बीतने पर भी वो घर नहीं लौटा? फोन भी ऑफ था, उसके दोस्तों को भी उसकी कोई खबर नहीं थी। इन सब बातों ने मधु को काफी बेचैन कर दिया और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपने सास ससुर को फोन किया। इतनी रात को कौन होगा? हेलो। हेलो, प्रणाम माँ जी। जीती रहो बहू, क्या हुआ, इतनी रात को क्यों फोन किया? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ जी, वो रिंकू के पापा खाने के बाद घूमने निकले थे, अभी तक वापस नहीं आए और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ जी। बेटा घबराओ मत, तुम ऐसा करो किसी पड़ोसी को साथ लेके पुलिस स्टेशन चली जाओ। जी माँ जी।
अरे मधु, इतनी रात को अंदर आओ। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं लेखा भाभी, वो रिंकू के पापा घूमने निकले थे, 4 घंटे हो गए अभी तक घर नहीं लौटे और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या बात कर रही? अरे उनका फोन आ गया, भगवान का शुक्र है। हेलो, कहाँ है आप? कितनी परेशान हूँ मैं पता है, कम से कम एक फोन तो कर देते। ए, हमारे बात ध्यान से सुनो। कौन है तुम? मेरे पति कहाँ है? हमने तुम्हारे पति को उठा लिया है। किडनैप, मतलब समझते हो किडनैप का? किडनैप? क्या बकवास कर रहे हो, मुझे मेरे पति से बात करनी है। अरे बात करके क्या करेगी, बस इतना समझ ले कि अभी जिंदा है वो। अगर सुहागन बने रहना चाहती हो तो फौरन 2 करोड़ का इंतजाम करके रखना, और हाँ पुलिस को खबर करनी है तो कर दे, और नहीं करोगी तो अच्छा होगा। हेलो, हेलो, आइए ना, मैं हूं, डरिए मत। तो आप भी इनकी जमानत के लिए आए हैं? नहीं हवलदार साहब, दरअसल इनके पति लापता हो गए हैं और अभी अभी इन्हें एक फोन भी आया था। ठीक है बैठिए, वेट करिए, साहब बिजी हैं, बैठिए आइए। यादव जी, चौधरी की फाइल लेके आओ। जी सर। बैठे बैठे बैठे। चलिए साहब ने बुलाया अंदर। ठीक। अपहरण एक ऐसा अपराध जो इंसान के दिलो दिमाग पर डर की गहरी छाप छोड़ जाता है। भारत में हर वर्ष हजारों अपहरण किए जाते हैं, कुछ दुश्मनी के लिए होते हैं, कुछ बदले के लिए, लेकिन ज्यादातर मामलों में अपहरण का मकसद होता है फिरौती। यही इस मामले में भी था। किडनैपर्स ने आनंद को छोड़ने के लिए मधु से 2 करोड़ रुपयों की मांग की। मधु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मुसीबत के वक्त इंसान अक्सर गलत कदम उठा लेता है, लेकिन मधु ने बिल्कुल सही कदम उठाया और पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। सर, आसपास छानबीन की कोई जानकारी नहीं मिली। एक काम करो, हर जगह पर नाकाबंदी करवाओ। सर ऑलरेडी हमने मैसेज भिजवा दिया है। हेतराम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, उन लोगों ने 2 करोड़ रुपए कैसे मांग लिए, जबकि ये तो मिडिल क्लास फैमिली है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, फिरौती की रकम और घर का स्टैंडर्ड बिल्कुल मैच नहीं करता, कुछ और ही गणित है इसमें। मैडम आपके सारे फोन ट्रेस किए जाएंगे। वैसे आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हैं। क्या करूं सर, मां भी तो हूं ना सर, मेरे पति मिल तो जाएंगे ना। कोशिश तो यही है, लेकिन हमें शक है कि ये किडनैपिंग सिर्फ फिरौती के लिए नहीं हुई। अब की बार फोन आया तो आप उनसे अपने हस्बैंड से बात करने के लिए कहिएगा, हमें डर है कि कहीं आपके हस्बैंड के साथ कुछ, आप समझ रही हैं ना? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? देखिए मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। उन लोगों ने 2 करोड़ रुपए मांगे हैं, जो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से काफी ऊपर है। हमें लगता है कि ये किडनैपिंग किसी दुश्मनी के तहत की गई है, उनको मारने के बाद पुलिस को फोन करके गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। क्या बता सकती हैं कि किसी से उनकी कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा हुआ था उनका? नहीं इंस्पेक्टर, यहाँ मोहल्ले में हम किसी के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं। देखिए आपके घर के बाहर सादा कपड़ों में पुलिस रहेगी, इस बार फोन आए तो कम से कम 1.5 मिनट तक बात करने की कोशिश कीजिएगा आप। एंड डोंट वरी, आपके हस्बैंड को हम हर सूरत में ढूंढ निकालेंगे। ओके मधु, एक सवाल पूछो, तुमने रिंकू को स्कूल क्यों भेजा आज? भाभी यहाँ रहेगा तो अपने पापा के बारे में पूछता रहेगा, स्कूल जाएगा तो बिजी रहेगा, क्या जवाब दूंगी उसे, उसके पापा कहाँ गए? हिम्मत रखो मधु, सब ठीक हो जाएगा। वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है भाभी, क्यों उठा लिया उन्हें? Thank you.
हम तुम्हारे फूफा जी बोल रहे हैं कानपुर से। हाँ बेटा, वो अखबार में भी खबर पड़ी। ये सब कैसे हो गया बेटा? वो फूफा जी कल रात को खाना खाने के बाद बाहर निकले घूमने के लिए, फिर अचानक से। बहुत बुरा हुआ बेटा। कहीं कुछ पता चला? नहीं फूफा जी, अभी तक कुछ नहीं पता चला। फूफा जी, मैं एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल का वेट कर रही हूँ। हाँ सुनो मधु बेटा, चाहा तो हम भी रहे थे आज ही कानपुर से निकलना, लेकिन दो दिन से पहले नहीं निकल पाएंगे। माता जी और पिताजी पहुँच गए क्या? नहीं फूफा जी, अभी तक कोई नहीं पहुँचा। जैसे कोई बात होती है मैं आपको खबर करती हूँ, ठीक है? फरीदाबाद अपराधों की राजधानी बनता जा रहा है। कल रात करीबन 8 बजे मल्टीनेशनल कंपनी के एक इंजीनियर आनंद का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। आनंद रात के खाने के बाद टहलने निकला और अचानक गायब हो गया। पुलिस जांच में जुटी है लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं आया। शहर के अनाज मंडी इलाके से अपहरित एक शख्स को वक्त पे फिरौती ना पहुंचने पर अपहरणकर्ताओं ने मार डाला। बगल से बह रहे नाले से उसकी लाश बरामद हुई। 3 दिन हो चुके थे और किडनैपर्स का कोई अता पता नहीं था। मधु 3 दिनों से बेसब्री से किडनैपर्स के फोन का इंतजार कर रही थी। उसके लिए एक एक पल एक दिन के बराबर गुजर रहा था। ज्यादा होशियारी कर रही है, पेपरबाजी कर रही है मेरे साथ। पुलिस के सिपाही सादी वर्दी में तैनात है तेरे घर के बाहर। अच्छा है। सुनिए, मैंने तो सुन ले, अब तेरा कसम इसकी सजा भुगतेगा, समझ गई? हेलो हेलो, अपने कसम की आवाज सुनना चाहती है ना? चल ले सुन। ये किसकी चीख थी? क्यों क्या हुआ? अभी तो सिर्फ 3 दिन ही हुए, अभी से पहचानना छोड़ दिया। ये जो चीख की आवाज सुनाई थी वो तेरे खसम की ही है। अभी तो सिर्फ उसका हाथ तोड़ा, उसी में इतना चिल्ला रहा, फिर हम उसके पैर तोड़ेंगे। अगर उसे भी सहन कर गया तो फिर और उसके बाद उसका सर, समझ गई? हेलो हेलो हेलो, सुनिए, चलिए आपको साहब ने बुलाया। क्या कुछ पता चला क्या? अरे आप चलिए तो सही, ये कहाँ ले आए आप मुझे? मैडम एक लाश मिली है, चल के देख लीजिए आप। आइए। क्या यही है आपके पति? नहीं, ये मेरे पति नहीं है। शांत हो जाइए मैडम, हम लोग आपके पति की तलाश में जुटे हुए हैं। क्या खाक तलाश कर रहे हैं आप लोग? उन्हें गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं। उन लोगों ने मेरे पति का एक हाथ तोड़ दिया, करना जाने क्या। आपकी हालत समझ रहे हैं मैडम, लोग फोन ट्रेस नहीं कर पाए, वो ट्रायंगुलेट पे अगर वो कुछ नहीं समझ रहे आप लोग, कुछ नहीं। सुनिए मैडम, सिर्फ आप ही का केस नहीं, यहाँ हजारों लोग रोजाना लापता होते हैं, जिसमें से 50% लोग लापता ही रहते हैं और 45% लोगों की लाशें मिलती हैं। और उनके बारे में सोचिए जिनकी लाशें तक नसीब नहीं होती। अभी सोचना यह है कि आपके पति कौन से परसेंटेज में है। अब हम लोग भी इंसान हैं, कोशिश कर सकते थे, कोशिश कर रहे हैं। अब दुश्मनी आपके पति जैसे लोगों की होती है और भुगतना हम लोगों को पड़ता है। हम लोग अपना 100% दे रहे हैं मैडम, प्लीज शांत हो जाइए आप। मुझे आपके परसेंटेज जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे मेरे पति चाहिए बस।
पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था और हर बीतता पल मधु के डर को और बढ़ा रहा था कि कहीं वो अपने पति आनंद को हमेशा के लिए ना खो दे। मधु के पास अब दो रास्ते थे, या तो हताश होकर सब कुछ किडनैपर्स की मर्जी पर छोड़ दे, या फिर दृढ़ निश्चय के साथ कोई ठोस कदम उठाए। लेकिन क्या कदम उठाए मधु और किस दिशा में उठाए, ये उसे नहीं सूझ रहा था। और फिर उस भाटिया के बच्चे को पीछे छोड़कर मुझे प्रमोशन मिल गया। दुश्मनी आपके पति जैसे लोगों की होती है और भुगतना हम लोगों को पड़ता है। कहीं ये सब भाटिया ने तो दुश्मनी के चलते नहीं किया? इसमें तो नहीं है, ऑफिस में होगा। हेलो, मैं मिसेस आनंद कुमार बोल रही हूँ, मुझे मिस्टर भाटिया से बात करनी है। जी भाटिया साहब तो 3 दिन से ऑफिस में नहीं आ रहे हैं। आप मुझे उनके घर का एड्रेस दे सकते हैं? जी कहिए, क्या बात है? मुझे मिस्टर भाटिया से मिलना है, मेरे पति और वो साथ काम करते हैं। आई ये रहे, पिछले 3 दिनों से बुखार रहे हैं। बुखार है या अपना जुर्म छुपाने का नाटक? ये आप क्या कर रही हैं मैडम, और आप कौन हैं? आनंद कुमार की वाइफ हूँ मैं, बताइए कहाँ छिपा रखा है उन्हें और कितने पैसे दिए उन्हें किडनैप करवाने के लिए? ये आप क्या कर रही हैं मैडम, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि उनकी तरक्की से सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को हुआ है ना। आनंद जी का किडनैप हुआ है, मुझे तो इस बात की भी जानकारी नहीं है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब समझ आ चुका है, आप ही ने मेरे पति को किडनैप करवाया है। देखिए मिसेज आनंद, मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी, ठीक है ऑफिस में प्रोफेशनली हम लोग एक दूसरे के राइवल होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि हम एक दूसरे को किडनैप करवा दें। फिर क्या हो सकता है उन्हें? पुलिस कहती है ये सब किसी दुश्मनी की वजह से हुआ है, कौन हो सकता है उनका दुश्मन? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। एक मिनट, कुछ दिन पहले रोजेज ब्लू नाम के कॉर्पोरेट हाउस की मालकिन मिताली के साथ उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। इंस्पेक्शन में आनंद ने उनके कुछ टेंडर्स रोक दिए थे, और 7 दिन पहले जब वो ऑफिस आई तो काफी गर्मा गर्मी हुई थी, और उसने आनंद को देख लेने की धमकी भी दी थी। आप मुझे मिताली के ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं? Excuse me. Yeah, 1 minute. जी कहिए। मुझे मिताली जी से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट लिए? जी नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। पर आप बिना अपॉइंटमेंट के उनसे नहीं मिल सकती। प्लीज। गुड मॉर्निंग मिताली मैम। गुड मॉर्निंग मिताली जी। मिताली जा रही आप? मिताली जी प्लीज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अपने पति के बारे में, आनंद कुमार। मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ, आप प्लीज अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मिताली जी एक सेकेंड। मैम आपका लंदन से कॉल है। हेलो, या मिताली जी, आप मैम को परसों मिल सकती है, मैम को भी फ्लाइट पकड़नी। मेरे पति को किडनैप करवा के खुद यहाँ से निकलना चाहती हो ताकि पुलिस से बच सको? किया क्या मेरे पति के साथ तुमने? What? तुमने मेरे स्टाफ के सामने मुझ पर इल्जाम लगाया, क्या मजाक है ये? मजाक तो आपने समझ रखा है, छोटी सी बात के लिए मेरे पति को किडनैप कर लिया? What rubbish? मेरा तुम्हारे हस्बैंड के साथ क्यों लेना देना? 7 दिन पहले आपका उनसे झगड़ा हुआ था ना, और आपने उनसे कहा था कि आप उन्हें देख लेंगी? Oh, come on. See, मधु, मेरा हर रोज 20 लोगों के साथ कहना सुना होता रहता है काम को लेकर, पर रहा सवाल तुम्हारे हस्बैंड का, तो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसमें टेक्निकल फॉल्ट था। ओह, तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बहुत नुकसान हुआ होगा, इसीलिए तो आपने उन्हें किडनैप करवा लिया? जस्ट शट अप, तुम्हें समझाना बेकार है। यू थिंक आई एम अ क्रिमिनल? जस्ट लीव माय ऑफिस एंड नेवर एंटर हियर। बस
यस मैम। कॉल द सिक्योरिटी, इसे यहां से बाहर निकालो। सिक्योरिटी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। पुलिस के पास गई तो वो लोग उन्हें मार देंगे। मुझे तो अब भी भाटिया पर शक है, पर वो मिताली भी हो सकती है या शायद भाटिया ही। कौन हो सकता है, कौन उन्हें किडनैप कर सकता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, ये रिंकू भी ना। आनंद, सॉरी, वो पान खाने जाते थे, शायद पान वाले को कुछ पता हो। भैया, क्या चाहिए मैडम? पान, बीड़ी, सिगरेट? नहीं नहीं, ये मेरे पति हैं, आपने इन्हें यहाँ देखा है? नहीं देखा मैडम। भैया, आपने इन्हें देखा है? अरे ये तो आनंद बाबू है, इन्हें हम अच्छे से जानते हैं, तो हमारे डेली के ग्राहक है। देखिए भैया, ये मेरे पति हैं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। पिछले 4 दिन से ये लापता हैं। क्या बात कर रही हैं आप? तभी हम सोचे कि कई दिनों से आनंद बाबू हमारी दुकान पे पान खाने का ही नहीं आ रहे। भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ उन्हें कौन कौन मिलता था, और उस रात आपने उनको किसी के साथ देखा था क्या? जी मैडम, एक आदमी है जो अक्सर उनसे बातें करता था। कमाल की बात तो ये है, जब से आपके पति यहाँ नहीं आए वो भी गायब है। अब मेरा मतलब है वो यहाँ पर आता ही नहीं है। भैया, आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करेंगे? अगली बार जब आप उस आदमी को देखें तो आप मुझे प्लीज इस नंबर पे फोन कर देंगे? जी मैडम, जैसे कोई खबर होगी हम आपको इत्तला कर देंगे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी भैया, थैंक यू। फिक्र मत कर बेटा, अब हम और तुम्हारे बाबूजी आ गए हैं। हिम्मत रखो। बाजी, मैं थक गई उन्हें ढूंढ ढूंढ कर, और नहीं साझा तो मुझसे। तू रो मत बेटा, हम कुछ करते हैं। ये बता, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कहती है ये सब किसी दुश्मनी की वजह से हुआ है, मुझे बुलाकर लाशें दिखा रहे हैं पहचानने के लिए। घबरा मत बेटा, सब ठीक होगा, हमारे आनंद को कुछ नहीं होगा। कितने का इंतजाम हुआ बहू? माँ जी, सब गहने बेच दिए और एफडी भी तुड़वा ली, और सारी रकम मिला जुला कर सिर्फ 15 लाख ही जुट पाए। किडनैपर्स का ही होगा। हेलो मैडम, हम प्रफुल पानवाला बोल रहे हैं, वो आदमी यहाँ पे आ गया है, जल्दी आइए। हाँ मैं अभी आ रही हूँ। माँ जी, मुझे जाना होगा, शायद कोई जरूरी सुराग मिल जाए। बेटा मैं चलता हूँ तेरे साथ। नहीं बाबूजी, आप यहीं रहिए, मैं अकेली जाती हूँ। किडनैपर्स का फोन कभी भी आ सकता है, और आप इन पैसों का भी ध्यान रखिए। हाँ भैया। मैडम, वो लाल कमीज वाला है ना? और ए भाई, आंखें या बटन दिखता नहीं है? चुपचाप सीधा रास्ता देख चल, नहीं तो क्या कर लोगे? बेटे ऐसी जगह गायब करूंगा, घर वाले ढूंढते फिरेंगे कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया। चल
इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैंने अभी उस आदमी को देखा जो आखिरी बार मेरे पति से मिला था। हाँ देखा आपने? आपको पक्का यकीन है कि वो आदमी वही है? जी हाँ, पान वाले ने कहा कि ये वही आदमी है। मैंने भी उसे एक आदमी से झगड़ा करते हुए देखा, वो उसे भी अगवा करने की बातें कर रहा था। चलिए देखते हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए पान की दुकान पर छापा मारा, लेकिन वो आदमी तब तक वहां से जा चुका था। फिर पुलिस ने मधु के बयान के आधार पर उसका स्केच तैयार करवाया और अपनी तलाश शुरू, और आखिरकार मनोज गुज्जर का पता चल ही गया। सिंह साहब, मैं आनंद से कभी कभी मिलता था पान की दुकान पे। अब इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि इसमें मेरी कुछ गलती है। वो महंगी महंगी घड़ी पहनता था, बड़ी बड़ी गाड़ी से चलता था। अब किसी की नजर पड़ गई होगी, उठा लिया। अब इसमें मुझे क्यों फंसा रहे हो? देखो अगर सर, इसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, ना ही इसके खिलाफ कोई सबूत। ओके तो सर, मैं जाऊं? जाओ। धन्यवाद। सर आपने उसे जाने कैसे दिया? मैडम आप तो हर आदमी पे शक कर रही हैं, सबको उठा के थाने बंद कर दूं। लेकिन सर, सुनिए सुनिए, प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए, प्लीज। देखिए मेरे पास 2 करोड़ नहीं है, सब बेचकर सिर्फ 15 लाख का इंतजाम हो पाया है। प्लीज आपके पैर में दिमाग खराब हो रखा है तेरा? अगर दोबारा मेरा पीछा किया ना, सीधा जेल भिजवा दूंगा, समझी? ये लीजिए। मतलब समझाने का कोई असर नहीं हुआ आपके ऊपर? फिर से अपने लेवल पे काम करना शुरू कर दिया आपने। मैं सिर्फ अपने पति के बारे में जानना चाहती थी। और हमें तो ना बताया आपने अपने पति के बारे में सब कुछ। गुज्जर बता रहा था कि आप लोग बड़े अमीर लोग हैं, महंगी महंगी ब्रांडेड घड़ियां पहनते हैं आपके पति, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। वो सब दिखावा है सर। मेरे पति को बड़े लोगों के साथ मीटिंग्स में जाना पड़ता है, इसलिए ब्रांडेड वॉचेस की डुप्लीकेट पहनते थे। और कभी घर छोड़ने गाड़ी आती थी तो वो क्लाइंट की होती थी। एक दरख्वास्त है मैडम आपसे, पुलिस बनने की कोशिश मत करें, वो हमारा काम है। और हमें हमारा काम हमारे ढंग से करने दें, और विश्वास रखिए आपके पति को ढूंढ निकालेंगे हम। ये सब लापता लोगों की तस्वीरें हैं ना, आपके लिए मेरे पति भी इनमें से एक है। आप बाकियों को तो अभी तक नहीं ढूंढ पाए, मेरे पति को ढूंढने का वादा कैसे कर सकते हैं? हेलो। बहुत हिल रही है तू, हाँ? ज्यादा सियानी बनने की कोशिश मत कर, पुलिस के चक्कर में पड़ रही है। अब तक तो तूने पैसों का इंतजाम कर लिया होगा। देखिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ज्वेलरी बेचकर और बैंक बैलेंस मिलाकर 15 लाख से ज्यादा नहीं हो पाया। अगर आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। तेरे लिए 1 करोड़ माफ किया। मैंने कहा ना मेरे पास 15 लाख से ज्यादा नहीं है। ए, रो मत, रोना तब जब तू विधवा हो जाएगी। लास्ट टाइम बोलता हूँ, 20 लाख, उससे 1 पैसा कम नहीं। 20 लाख देकर अपने पति को जिंदा ले जा, नहीं तो उसकी लाश भिजवाने का खर्चा भी मैं कर दूंगा। कल सुबह 10 बजे फरीदाबाद से आगरा रोड पे निकलना, बाकी की इतला हम वहीं देंगे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? 30 लाख मांग रहे माँ जी। रो मत बेटा, हम लोग कुछ करते हैं। आखिरकार अपहरणकर्ता 20 लाख रुपए की फिरौती पर राजी हो गए। 15 लाख रुपए तो मधु के पास थे ही, 5 लाख रुपयों का इंतजाम सास ससुर ने जैसे तैसे किया। अपहरणकर्ताओं ने मधु को डिलीवरी की जगह बताने के बजाय फरीदाबाद से आगरा रोड पर आने के लिए कहा। ये सारी बातें पुलिस कंट्रोल रूम में सुनी जा रही थी, और पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए अपना प्लान तैयार कर लिया। इसमें 20 लाख के नकली नोट हैं। नहीं इंस्पेक्टर, मैं ये नकली नोट उन्हें नहीं दे सकती। अगर उन्हें पता चल गया और उन्होंने मेरे पति को मार दिया तो मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, मैं उन्हें असली रुपए ही दूंगी। देखिए हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं। तो मैं देख ही चुकी। ठीक है, एक काम करो, उन नोटों का सीरियल नंबर नोट कर लो,
सर। सर, इसमें ज्यादा तो 6BT सीरीज के नोट। 6BT सर। ओके। हेलो। अभी तक बिल्कुल सही जा रही हो। अब 10 किलोमीटर जाने के बाद आगे से लेफ्ट लेना है। और हाँ, फोन चालू रखना। मेरे पति का है। सवाल नहीं, मैं जो कहता हूँ वो सुन। बाइक वाला काफी देर से पीछा कर रहा है, मुझे लगता है यही है। सर मुझे भी लग रहा है। दबोच लो। नहीं नहीं, उसके पति की जिंदगी को खतरे में डाल के नहीं, बस देखते रहो। अभी चुपचाप स्ट्रेट चलती जा, आगे से बाई और मोड़ ले। यहाँ से लेफ्ट लीजिए। बस बस यही रोक दीजिए। आगरा का ताजमहल अच्छा है ना? क्या पैसा निकालो मैडम। मेरे पति का है। पति बाद में, पहले पैसा जल्दी। ऐसे कहाँ गए? अचानक आए और सारे पैसे लेके हवा हो गए। मेरे पति कहाँ होंगे? पता नहीं, और उम्मीद भी कम ही है अब, क्योंकि आप तो हमारी बात सुनती नहीं है। आपसे कहा था ना नकली नोट रखने हैं। पैसे पहले नहीं देने चाहिए था। फोन बज रहा है आपका। फोन उठाइए, फोन बज रहा है आपका। हेलो। ए सुन, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर ढाबा है, तुम्हारा पति वहीं है। किसका फोन है? उनका पता चल गया, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आगरा रोड पे। राक्षी चलो कोई पास बढ़िए। मधु, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मधु। आनंद जी, कौन लोग थे वो जो आपको छोड़ के गए? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। आनंद, तुम्हें क्या पता तुम्हारे बिना मेरी हालत क्या हो गई थी। मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे बिना जीना नहीं आता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अपने घर में। ये लीजिए, आ गई आपकी पान की शॉप। आज आप पान नहीं खाएंगे? ना रे बाबा, पान खाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो इस जगह से गुजरते हुए भी डर लगता है। ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए पान लेकर आती हूँ। मतलब अब तुम मेरे लिए पान खरीदने जाओगी? अब आप बस देखते जाइए, लाइए पैसे। तुम भी ना मधु बहुत जिद्दी हो, ये लो। अरे नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? आनंद बाबू नमस्कार, कैसे हो? भैया दो पान दीजिए, मीठे वाले, सौंफ, इलायची, मुलेठी और गुलकंद डालकर। जी मैडम। ले लीजिए। थैंक यू। भैया ये नोट आपको किसने दिया? कौन गड़बड़ी हुई क्या मैडम? वो लाल शर्ट वाला फिर से ही आया था क्या? जी आया था। हर नोट का एक विशेष सीरियल नंबर होता है और किन्हीं भी दो नोटों के नंबर एक समान नहीं होते हैं। मधु को जो 500 का नोट मिला था वो उन्हीं नंबर्स में से था जो किडनैपर्स को दिए गए थे। मधु वो 500 का नोट लेकर आनंद के साथ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। उस रिकॉर्डेड सीरीज का नोट देखकर पुलिस फौरन हरकत में आई। पैसा लूटना अलग बात है और उसे छिपा कर रख पाना अलग। कहते हैं बेईमानी की कमाई पछती नहीं, और यही हुआ इस केस में।
रिकॉर्ड की गई सीरीज के सारे नोट पहचान लिए गए और मनोज गुज्जर सबूतों के साथ पुलिस की हिरासत में था। आप क्यों पकड़ लेते हो मुझे बार बार? आप बिना मतलब के एक शरीफ आदमी को तंग कर रहे हैं। अच्छा आपके पास क्या सबूत है कि वो 500 का नोट मेरा ही है? दादा होशियार बन रहा है, ये बता नोट मिला कहां से तेरे को? नोट हमने ही रखा था फिरौती के लिए, समझा? सीधे सीधे बताता है कि 3rd degree दूं, शर्त लगा रहा हूं 3rd degree झेल नहीं पाएगा, समझा? इकराम सर 3rd degree रूम में ले चल इसको। नहीं सर, सर 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 बता रहा हूँ सर, सर हम ही जाते थे रोज पान की दुकान पे पान खाने साहब। अच्छा साहब, हम रोज नजर रखते थे कि यहाँ पे अमीर आदमी कौन आ रहा है साहब। वहाँ आनंद भी आता था महंगी गाड़ी से, तो हमें लगा कि ये मोटी पार्टी है, तो हमने उससे बातचीत शुरू कर दी। साहब वो जिस तरह से महंगी महंगी गाड़ी से आता था, महंगी महंगी घड़ी पहनता था, हमें लगा कि मोटी पार्टी है, करोड़ 2 करोड़ इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। अच्छा 2 करोड़ के बाद 20 लाख में कैसे मान के तुम लोग? आपकी वजह से साहब, आपने पिछली बार उठा के लाए थे ना मुझे, तो मैडम मुझे बाहर मिली, उसने अपने घर का सारा बजट मेरे सामने खोल कर रख दिया, तो मुझे लगा कि हमने गलत पार्टी को उठा लिया। हमने नेगोशिएशन किया साहब, मैंने कहा 2 करोड़ तो नहीं दे पाएगी, तो जो मिल जाए दे रख दो। 500 का नोट तो तू पचा नहीं पाया, तो 20 लाख कहाँ से जम करता तू? एहतराम चार्जशीट बनाओ इसकी और इसके दोस्तों का नाम पता लिखो। सर सब बोले हैं साहब। पुलिस ने मनोज गुज्जर की मदद से बाकी अपराधियों को भी पकड़ लिया और 18 लाख रुपए कैश बरामद किया। आज आनंद और मधु खुश हैं, लेकिन यह घटना हमें सावधान करती है समाज में बढ़ रहे ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से चौकन्ना रहने के लिए। और बधाई की पात्र है मधु, क्योंकि आनंद आज सिर्फ भाग्य की वजह से नहीं, मधु की हिम्मत और विश्वास की वजह से जीवित है। इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारे समाज में हमारे बीचों बीच ऐसे असामाजिक तत्व मौजूद हैं जिनके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि गलत रास्ता कभी भी सही मंजिल की तरफ नहीं ले जा सकता, अंत में उन्हें सजा भुगतनी ही पड़ती। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि अपहरण एक संगीन अपराध है और इसके लिए IPC की धारा 364A के तहत आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। और सावधान हो जाएं आनंद जैसे लोग, क्योंकि अपनी हैसियत को बढ़ा चढ़ा कर बताने की आदत और रौब डालने की कोशिश कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए एक और ऐसी ही प्रेरणादायक सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।